तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त पिपासु महारथी एक दूजे सम्मुख अड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव पांच बेचारे थे, एक तरफ थे योद्धा सब एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, लेकिन पार्थ के रथ को तो खुद केशव हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखन में कुछ खास लगे, माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला, शंख उठा श्री कृष्ण ने मुख से फूका और बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही वैसे सबका गर्जन शुरू हुआ, रक्त बिखरना शुरू हुआ, फिर सबका मर्दन शुरू हुआ। श्री कृष्ण ने बोला, उठो पार्थ और एक आंख को मीच जरा, गांडीव पर बाणों को रख प्रत्यन चाको खींच जरा। आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर, यहाँ इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन जैसा वीर। यहाँ इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन जैसा वीर। यहाँ इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन जैसा वीर। यहाँ इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन जैसा वीर। यहाँ इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन जैसा वीर। यहाँ सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया, एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा कुतर गया। बोले पार्थ, सुनो कान्हा, जितने सम्मुख है ये खड़े हुए, इन्हीं सभी से सीख सीख कर सारे भाई हैं बड़े हुए। उधर खड़े हैं भीष्म पितामह, मुझको गोद खिलाते थे, गुरु द्रोण ही धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाते थे। सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती मात हमारी ने, कोई कमी ना छोड़ी कभी थी उस माता गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं, माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से ना लायक हैं। मैं अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम ही छोटे हैं, जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। इतने से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, स्वर्ण लगाकर अपना कुल विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। खून सने हाथों का होता राजभोग अधिकार नहीं, सबको मार के गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से था मोड़ दिया, आंखों में आंसू भरकर गांडीव जो हाथ से छोड़ दिया। गांडीव जब छूटा तब माधव भी कुछ अकुचाए थे, शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ और मन ही मन हर्षाए थे। मन में सोच लिया कि अर्जुन की बुद्धि ना सटने दूंगा, समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने की खातिर फिर नव अभियान शुरू हुआ, उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में रणभूमि से कण कण डोल गए माधव, टकटकी बांध के देखा अर्जुन एकदम बोल गए माधव। हे पार्थ, मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता, तुम सारे भाइयों की खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, दोषी वो भी उतने ही है चबड़ा भींच रहे थे जो। घर की इज्जत तड़प रही, कोई दो टूक नहीं बोले, पौत्र बहू को नग्न देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले। पौत्र बहू को नग्न देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले, पौत्र बहू को नग्न देख क्यों गंगा पुत्र नहीं खोले। तुम सब बताओ यार, कोई जवाब देगा इस बात का? और अर्जुन तुम कायर बनकर हो बैठे, पार्थ बड़ी बेशर्मी है, संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ पे अधर्मी है। धर्म के ऊपर राज यहाँ है, भारी संकट खड़ा हुआ, और तेरा गांडीव पार्थ क्यों रथ के कोने में पड़ा हुआ। धर्म पे संकट के बादल तुम छाने कैसे देते हो, कायरता के भाव को मन में आने कैसे देते हो। हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है, शोले होने थे आंखों में पर बहती जल धारा है। धर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, अश्रुधार फिर तेज हुए और थर थर काँप रहा अर्जुन। हे केशव, ये रक्त स्वयं का पीना नहीं सरल होगा, यदि विजय हुए तो भी यहाँ जीना नहीं सरल होगा। हे माधव, मुझको बतलाओ कुल नाशक कैसे बन जाऊं, रक्त सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं। कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं, करने को जिनका स्वागत ये कर खुद भी जुड़ जाते हैं। इन्हीं करों ने बाल्यकाल में सबके पैर दबाए हैं, इन्हीं करों को पकड़ करों में पितामह मुस्काए हैं। नोक जो अपने बाणों की फिर इनकी ओर करूंगा मैं, केशव मुझको मृत्यु दे दो उससे पूर्व मरूंगा मैं। बाद युद्ध के मुझे ना कुछ भी पास दिखाई देता है, माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। बात बहुत ही भावुक थी पर जगत गुरु मुस्काते थे, ज्ञान की गंगा गीता द्वारा चक्रधारी बरसाते थे। जन्म मरण की योद्धा यहाँ पे बिल्कुल चाह नहीं करते, क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते। हे पार्थ, यहाँ पे कुछ मत सोचो, कर्म पे ध्यान लगाओ तुम, बाद युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस
दुनिया के रक्तपात में कोई तो एहसास नहीं, निज जीवन का करे फैसला नर के बस की बात नहीं। तुम ना जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में, तुम नहीं हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही जलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है। मानव वश में शेष नहीं कुछ फिर भी मानव डरता है, वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। ना सत्ता सुख से होता है, ना सम्मानों से होता है, जीवन का सार सफल बस बलिदानों से होता है। देह दान योद्धा ही करते ना कोई दूजा जाता है, रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। सेना युद्ध में जैसे अपने खोटे शस्त्र बदलती है, दिव्य आत्मा मानव देह में वैसे वस्त्र बदलती है। हे केशव कुछ समझ गया, पर कुछ कुछ असमंजस में हूँ, इतना मैं हूँ समझ गया ना स्वयं मैं खुद के वश में हूँ। हे मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ, जीवन मृत्यु क्या है माधव रण में जीवन तान बताओ। काम क्रोध की बात कही मुझको उत्तम काम बताओ, अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया, तीनों लोगों का स्वामी बेहद गुस्से में बोल गया। सारी सृष्टि को भगवान बेहद गुस्से में लाल दिखे, देव लोक से देव डरे सबको माधव ने काल दिखे। अरे कान खोल कर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ, कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नर नारी का धर के मैं ही केश बदलता हूँ, धर्म बचाने की खातिर मैं अनगित वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का दशम रूप मैं परशुराम मत वाला हूँ, नाग कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूँ। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, नरसिंह बन के धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। रत्तनिक नहीं भी चलता है, मैं ही आगे बढ़ता हूँ, धनुष हाथ में तेरे पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। इतना कहकर मौन हुए फिर खुद ही सकुचाए केशव, पलक झपकते ही अपने दिव्य रूप में आए केशव। दिव्य रूप का तेज अनोखा सबसे अलग दमकता था, कई लाख सूरज जितना चेहरे पर तेज चमकता था। इतने ऊंचे थे भगवान सर अंबर से जा लगता था, और हजारों भुजा देख कर अर्जुन को डर लगता था। माँ गंगा का पावन जल उनके कदमों को चूम रहा था, और तर्जनी उंगली में चक्र सुदर्शन घूम रहा था। नदियों की कलकल सागर का शोर सुनाई देता था, श्री कृष्ण के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता था। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा था अर्जुन एकदम रथ पे फिर खड़ा हुआ। गीता के इस ज्ञान से सीधे हृदय में ऐसे प्रहार हुआ, मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। मैं धर्म भुजा का वाहक हूँ, मुझको कोई मार नहीं सकता, जिसके रथ पर भगवान हो वो युद्ध में हार नहीं सकता। जितने यहाँ अधर्मी है चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा, इतना रक्त बहाऊंगा धरती की प्यास बुझा दूंगा। अर्जुन की आंखों में धर्म का राज दिखाई देता था, पार्थ में अब केशव को बस यमराज दिखाई देता था। जिधर चले फिर बाण पार्थ के सब पीछे हट जाते थे, रणभूमि के कोने कोने लाशों से पट जाते थे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सुचाम्यहम्। परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभ्रमामि युगे युगे। क्षेत्र की भूमि पे तब नाच नचाया अर्जुन ने, सारी धरती लाल हुई कोहराम मचाया अर्जुन ने। बड़े बड़े योद्धाओं को भी नानी याद दिलाई थी, मृत्यु का वो तांडव था जो मृत्यु भी घबराई थी। ऐसा लगता था सबको मृत्यु से प्यार हुआ है जी, धर्म का ऐसा युद्ध जगत में पहली बार हुआ है जी। धर्म राज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, पर ये दुनिया जानती थी ये बस के शव की माया थी। धर्म की रक्षा करने वाले दाता दया निधान की जय, हाथ उठाकर सारे बोलो चक्रधारी भगवान की जय। धर्म की रक्षा करने वाले दाता दया निधान की जय, कमेंट के सेक्शन में सारे बोलो भगवान की जय, चक्रधारी भगवान की जय। कम ऑन यार, अब कमेंट कर दो, अगर यहां तक सुन रहे हो तो कमेंट करके तुम्हें बताना पड़ेगा, सबूत देना पड़ेगा इस बात का। और इसी के साथ दिस वॉज एबी वायरल साइनिंग ऑफ।